बेटा आपकी सक्सेस जर्नी जो है ना, स्टडी का जो पीरियड रहा है वो आप डिस्कस कीजिए। मैम मैंने 2019 में ये बैच ज्वाइन किया था पावर माइंड में, उसके बाद मैंने 5 मंथ्स यहीं पे कोचिंग ली पूरी, और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सबकी सर बुकलेट देते थे पूरी, मैं सॉल्व करती थी सारे डीआई वगैरह सब एक्स्ट्रा देते थे, मतलब पूरा मुझसे सॉल्व करवाते थे, वो सब काफी हेल्पफुल रहा। मेरी स्पीड जितनी इंक्रीज हो सकती थी वो यहाँ इंक्रीज हुई। उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया हर उससे, पावर माइंड की भी मैंने यहाँ पे टेस्ट देने भी आती थी और स्पीड इंक्रीज करने का ट्राई किया पूरा, क्योंकि वही मैटर करता है बैंकिंग एग्जाम में, और ट्रिक सीखी सर से हेल्प ली, रीजनिंग वाले सर उन्होंने काफी हेल्प की पजल वगैरह सब सॉल्व करवाने में, और बाकी सारी चीजें लॉकडाउन हो गया फिर एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो रहे थे, और मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, पढ़ना छोड़ देते हो, तो वो आपको फिर दोबारा से एकदम स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक महीने भी आपने पढ़ाई छोड़ दी आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, क्विजेस बनाते रहने चाहिए ताकि आपका माइंड उतना ही शार्प रहे, उतने ही पावर से काम करे, और यही सारी चीजें हैं जो आपको। इंग्लिश पे कैसे काम किया? इंग्लिश में मैम मैंने एक तो सर वोकैब वगैरह सब अच्छे से पढ़ाते थे, सारे वर्ड्स वगैरह सब कुछ, और बुकलेट यहाँ पे मिली थी तो मेरे पास वही बुकलेट थी, मैंने वो पूरी पढ़ी, और मैंने क्विज बनाना स्टार्ट किया मैम, सारे जितनी भी ऑनलाइन क्विजेस अवेलेबल रहते हैं वो सब बनाए, उससे वोकैब बहुत ज्यादा और इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एकदम आपको उसके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ नीचे लिखे हुए मिलते हैं, और आप डेली लाइफ में उनको यूज थोड़ा बहुत डेली लाइफ में यूज करने लगोगे तो वो इंग्लिश इंक्रीज होने लग जाती है, आपकी इंप्रूव हो जाती है अच्छे से। और बाकी यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह कभी देख लिए, ऐसे नहीं कि आप खाली बैठे हुए, खाली बैठ के सीरीज भी इंसान कितनी देखता है, तो कोई इंग्लिश का वीडियो चला लिया, कोई किसी का भी चीज का भी चला लिया, कोई ट्रिक्स से सॉल्व करवा रहे वो चला लिया, वो सारी चीजें मैंने करी है, कुछ भी देखा है मतलब, ताकि बस माइंड डाइवर्ट रहे सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में, आप पे डिप्रेशन वाली फीलिंग आना बंद हो जाएगा। तो मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी, मैथ्स की प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ क्विज बनाया, क्विज मॉक जहाँ गलती की वहां एनालाइज किया उसको, कि इसमें मैं और कैसे बेटर इंप्रूव कर सकती थी। अगर मैं उसको एक मिनट में बना रही हूँ, एक मिनट में मेरे साथ वाला हर बच्चा बना सकता है उसको, कोई भी बना लेगा उसको, लेकिन उसी चीज को मुझे 30 सेकंड में बनाना है, उसके लिए मेरे को उसी पे वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे अगर कोई सा भी एक टॉपिक उठा लिया टाइम एंड वर्क, आज मैं एक मिनट में बना रही हूँ उसको, किसी ट्रिक से मैं सॉल्व कर रही हूँ 30 सेकंड में बन रहा है, उस पर एक हफ्ता वर्क किया वो मेरे अंदर आ गया बात, हाँ मैंने उसको बिठा लिया, मुझको इसी ट्रिक से सॉल्व करनी हो वाली चीज, वो 30 सेकंड में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही सारे मैंने टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें ली और उनको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक छोटा छोटा जितना भी मैं कर सकती थी, क्योंकि 35 क्वेश्चंस होते हैं 20 मिनट्स में आपको प्रीलिम्स में करने होते हैं, एक टाइम था मैं 20 कर पाती थी, बढ़ करके वो एक महीने में 25 हुआ, फिर वो 30 पहुंचा, 32 पहुंचा, वो मेरी मैक्स स्पीड थी कि मैं 32 तक पहुंची थी, और उन सब के बाद प्रीलिम्स में काफी अच्छा स्कोर किया। हमारे चैनल को फॉलो करें पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।